बंधक बनाकर युवक की निर्मम हत्या। खबर ललितपुर से है, जहां एक युवक को कुछ लोगों ने पेड़ से बांधकर पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला थाना बानपुर क्षेत्र के अंतर्गत कचनोदा गांव का है, जहां देर रात गांव से दूर एक खेत में पेड़ से बंधा युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को गहनता से जांच कर हत्या के कारणों का खुलासा जल्द से जल्द करने का दावा कर रही है। देखिए, थाना बानपुर क्षेत्र में कचनौदा चौकी क्षेत्र में कचनौदा कला में रात में सूचना आई थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। थाना पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई तो 112 की गाड़ी और थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां पर पूरी जानकारी करने में पता चला कि ये 3 व्यक्तियों द्वारा गांव के ही एक रग्गा कुशवाहा करके जो व्यक्ति है, 45 साल उनकी लगभग उम्र थी, उनकी हत्या कर दी गई थी बांध के रस्सी से और डंडों से पीट के। वहाँ पे क्षेत्राधिकारी भी पहुँचे और बॉडी को कब्जे में लेके उसका पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और जो इसमें जो इनकी जो मृतक है उनकी पत्नी की तरफ से तहरीर लिख के संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए ललितपुर से ब्रजेश पंत की रिपोर्ट।